हेलो, वेलकम टू माय रेसिपीज। आज मैं बनाने वाली हूँ गोंद का शरबत, जो कि बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है और बहुत ही अमेजिंग इसके इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। तो गोंद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना वीडियो को, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये पीने में, और दूध के साथ बनता है ये, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आपने गोंद के लड्डू खाए होंगे, बट आप इसको शरबत बना के देखिए, बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है ये। तो शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने गोंद ले लिया है 1 चम्मच, जिसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये ध्यान रखिए, गोंद अच्छे से भीगना चाहिए, और बिना भीगे गोंद ना लें आप। तो ये मैंने गोंद लिया था, ये देखिए। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच गोंद लिया है, क्योंकि मैं 1 गिलास ही बना रही हूँ मैं शरबत। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास शरबत बना रही हूँ, तो 1 चम्मच गोंद मैंने भीगने रख दिया था 3-4 घंटे पहले। तो ये देखिए, ये भीग चुका है। तो ये मैंने 3-4 घंटे के पहले भिगो दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच शरबत ले लिया है, रूह अफ़ज़ा, और ये मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है। तो अब बनाते हैं इसको। तो बनाते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास ले लिया, और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शरबत। तो शरबत इसलिए क्योंकि इसे थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और ये शरबत डाल दें। आप अगर शरबत नहीं लें तो गोंद और दूध का भी बना सकते हो। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे दूध, जो कि 1 गिलास लिया था मैंने। बिल्कुल ठंडा दूध है, गर्म दूध ना लें। तो यहाँ पे ठंडा दूध ऐड कर दिया, और अब ऐड करेंगे यहाँ पे जो गोंद लिया था, भिगोने रखा था। तो 1 चम्मच गोंद ले लेंगे यहाँ पे, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो गोंद है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। बट ये ध्यान रखना कि गोंद भीगना अच्छा चाहिए पानी में। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। और अब अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लें। तो यहाँ पे मैं बादाम थोड़ी सी, और पिस्ता और कोकोनट लिया है थोड़ा सा, तो उससे गार्निश करूँगी। तो तैयार है हमारा हेल्दी सा ड्रिंक। बहुत ही है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये ड्रिंक। तो मैंने कोकोनट डाल दिया यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी पिस्ता डालूँगी। कोकोनट से बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे पिस्ता भी ऐड कर दी, और बस तैयार है यम्मी सा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा ड्रिंक। और थोड़ी सी मैंने रूह अफ़ज़ा ऊपर से और डाल दी, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, दोबारा से बोल रही हूँ, बहुत ही यम्मी सा ड्रिंक तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर।